हमने प्रूफ किया था लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या होता है, इक्वल हुआ, ठीक है। तो जो हमको जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो मेरा लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे अगर जो वैल्यू आ रही है वो मेरी राइट साइड पे आ रही है। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किससे, राइट साइड की वैल्यू से, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं डायवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, क्या काम करता है। अगर आपको बोलता है व्हाट इज अ फिजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ द डायवर्जेंस, फिजिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि वो अगर वो पॉजिटिव साइड पे है तो इनवर्ड होता है कि आउटवर्ड होता है, नेगेटिव साइड पे है तो वो कैसा होता है, ठीक है। आइए हम लोग डायवर्जेंस में हम लोग बताते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। डायवर्जन जो रहेगा
इनकमिंग क्या होगा, इक्वल होगा किसके, आउटगोइंग फ्लो के। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें थर्ड पोजीशन पे डायग्राम जो है एक ही डायग्राम होगा। फॉर्मूला 1/r² / 1/r² +
ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है आपका, इफ बी इक्वल टू 4 ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इफ बी इक्वल टू गिवन डेटा आपको दी हुई है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी, फाइंड द डायरेक्शन
कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराती हूं। ये तो सिंपल सा पार्टीशन का था, अभी सिर्फ मैंने इसको बताया है कैसे है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड में हमने किया ना, एज इट इज वैसा ही है, थोड़ा सा सही है।